वसुदेव सुतम देवम कल्चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम श्री कृष्णा शरण मम श्री कृष्णा शरण मम श्री कृष्णा शरण मम अहोभाग्यशाली कल्याणकामी देवियों प्रभागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, भगवान द्वारा बताए जा रहे भक्तों के दिव्य गुणों लक्षणों पर विचार विमर्श यथामति यथाशक्ति कर रहे गए। कल से एक बड़ा निराला विषय हमारे इष्टदेव भगवान जी ने प्रारंभ किया है, अपनी लाज आप ही रखेंगे प्रभु। कलयुग के आप जैसे ग्रस्त आश्रम में जिम्मेवारियों में लगे हुए कमियों को महसूस करने वाले श्री भगवान की उम्मीद रख रहे गए, दुख आए या सुख, अनुकूल हो या प्रतिकूल, प्रिय घटना घटे या अप्रिय, खुशगवार हो या ना खुशगवार, वाह माफिक हो या गैर माफिक, फेवरेबल अनफेवरेबल, प्लेजेंट मे नॉट बी प्लेजेंट, मन संतुष्ट रहे, मन प्रसन्न रहे। बहुत चोटी की अवस्था है जो सुनने में तो भले ही मामूली सी लगती हो, लेकिन जब व्यवहार में आती है तब पता लगता है कि ये छोटी बात समझी गई थी पर है बहुत बड़ी। मैं कल से खुद ही आश्चर्य में हूं, अब भी प्रणाम करता हुआ हाजिर देता हुआ महाराज जी से जब आ रहा हूं तो अपनी जगह हैरान में हूं। बताऊं क्या आपको, बहुत जिम्मेवारियां है, बहुत लेन देन है, सारा दिन आपका कटता कैसे गए, न चाहने पर कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे पत्र आ जाती हैं, कुछ ऐसी सूचना आ जाती है, एक टेलीफोन घर घर में लग रही है, कोई न कोई ऐसा संदेशा पहुंचा जाता है या ऐसी कोई अप्रिय बात सुना देता है, कठोर शब्दों में कह देता है, मन अपना तवाजन खो जाता है। वो ही जानती है बेहतर मेरी देवियों, मैं खुद आश्चर्य में हूं, बड़े विस्मय में हूं कि विस्तार तो करूंगा पर आज कुछ निराले ढंग से। आज तो मैं आपको अनुभवी महापुरुषों की गोष्ठी में ले जा रहा हूं, उनकी चरणों में बैठकर उनके अनुभव को लें, क्योंकि ये जो सम दुख सुखा का गुण चलाया है भगवान ने, प्रसंग चलाया है, ये केवल हमारे लिए नहीं, हर समय के लिए इस गुण ने जीवों को हैरान किया है और अनुभवियों से उन्हें उत्तर मांगे गए, इससे हम बहुत लाभ उठाएंगे, बहुत लाभ उठाएंगे। और मेरे साथ आज प्राचीन अर्वाचीन महापुरुषों की गोष्ठी में ले चलूं, उनका अनुभव सुने, यही प्रश्न एकाग्र रहना, मैं बार बार नहीं कहूंगा, अपने आप को एकाग्र रखना। आज आप बहुत लाभ उठाएंगे क्योंकि अनेक महापुरुषों के चरणों में आपको ले जा रहा हूं और एक महापुरुष एक ही गोष्ठी में आपको मिलेंगे, एक ही समागम में। ये प्रश्न आधुनिक उच्च कोटि के भगवान के प्यारे श्री रामकृष्ण परमहंस महाराज जी से पूछा गया, पूछा ही नहीं गया, घेर लिया गया महाराज जी को कि ये जो भगवान जी बताती हैं सम दुख सुखा, ये क्रियात्मक जीवन में कैसे लाएं। तो एक शिष्य ने कह दिया, अभी ये देखिए सत्यानंद, हां भोजन कर रहा था तो इसके पत्थर आ गए रोटी में, इसने उठा के कटोरी मारी रोटी पकाने वाले के सामने,
लो अभी ले लो आश्रम की बात, और आप इससे बाहर होने लगा। हम दो तीन ने मिलकर के इसे पकड़ लिया, क्या हो गया ये गुरु का आश्रम है, अगर जहर भी आ जाती है तो भी अमृत समझ दिया जाता है, ये तो पत्थर आ गया है। हाँ, फिर इसने क्षमा मांगी, रोटी पकाने वाले से ठंडा पानी पिया, फिर चुप हुआ। तो बाकियों क्या हाल होगा परमहंस जी, ये तो आश्रम की बात है। यहां भी आप देखते हैं, अगर कोई जगह ना दे नए व्यक्ति को या आपको, भले ही आप मुंह से कुछ ना बोले लेकिन अंतर में तवाजन नहीं रहता। आओ इन अनुभवियों से लाभ उठाएं। ये रेडीमेड उत्तर देंगे जिससे हम बहुत लाभ उठाएंगे। अपनी जिंदगी के दिन कितने हैं कि हम तजर्बा करते रहे, इन्हीं के तजर्बे की हुई बातों से क्यों ना लाभ उठाते हुए आगे बढ़ चले। श्री रामकृष्ण परमहंस फरमाते हैं, जरूर पूछना है आज ही, हाँ महाराज इस प्रश्न ने कुछ हिला दिया हमें। कहती हूं चलो वृक्ष के नीचे एकाग्र रहना। सब 8-10-12 शिष्य उनके बहुत पट्ट शिष्य कहलाए, चीफ कहलाए, जैसे हमारे यहां नारायण का रूप पीपल एक विशाल रूप दिन बदन लेता जा रहा, इस तरह वहां भी कोई वृक्ष था, भाई नाम तो मैं भूल गया कौन सा वृक्ष था। उनके नीचे खड़े होकर रामकृष्ण जी ने कहा मेरे साथ ताड़ी लगाओ, तो सबने महाराज जी कहना मानते हुए ताड़ी लगाई। मेरे सजनों मेरी देवियों, जितने पक्षी थे सब उड़ गए। फिर लगाओ, फिर शायद 2-4 चिड़िया रह गई होंगी वो भी उड़ गई। महाराज जी अब तो कोई पक्षी बैठा हुआ नजर नहीं आता। इसी तरह स्वामी जी वहीं बैठ गए और कहने लगे, जब तुम महाराज जी का नाम ले लेके अंदर के पक्षियों को जो गंदी वृत्तियां उड़ाने दोगे तब तक तुम शांत नहीं रह सकते। बहुत कमाल का दृष्टांत है। महाराज जी में वृत्ति लगा लगा के, जैसे भगवान ने गीता जी में कहा सदा मेरा पेहम जिसे या मुझे याद अर्जुन, बाहर रंग कर किसी सूरत में किसी भाव में किसी रूप में हमने वृत्ति महाराज जी से नहीं उठानी। तो जब तक हमारा मन ये अवस्था बना के अंदर की वृत्तियों को निकाल नहीं देता, अंदर के गंदे पक्षियों काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इत्यादि इतनी में नकारात्मक वृत्तियां, तब तक कोई चाहे कि मैं दुख में दुखी ना हूं सुख में सुखी ना हूं असंभव। शिष्यों ने सिर झुकाए स्वीकार किया, बहुत अच्छी बात बता दी आपने, अब हम ऐसा ही करेंगे। जब तक आप सब विवेक और वैराग को स्ट्रांग करते हुए इनको निकाल नहीं देते तब तक बात बनती नहीं। हमने अपनी कमजोरी से इनको रखा है चूंकि वैराग में कमी है, वरना ये क्यों टिक सकते हैं? अगर हम इनको आज्ञा ना दें ये नहीं टिक सकते। अगर हमारा मन वैराग से भर जाए गंदी वृत्तियां टिक ही नहीं सकती, क्योंकि हमें गलानी हो जाती है कि घर में कोई ऐसा आ जाए जिसको हम जानते नहीं और हमारी दृष्टि कहे कि ये तो कोई लोफर सा है, तो उस गंदे व्यक्ति को हम आंगन में छोड़ पड़े अपनी ड्योड़ी में भी टिकने देंगे। तो इतनी गंदी वृत्तियों जिन्होंने अनेकों को लोफर बना रखा है वृत्तियों को, ये कैसे अंदर टिकी हुई है? हमारी भूल के कारण से। चलो मैं और प्राचीन महापुरुष के पास ले चलूं, प्रातः स्मरणीय कबीर महाराज जी के से पूछिए। एक ग्रस्त आश्रम वाले उनके पास आए, ये प्राचीन की बात सुना रहा हूं। महाराज आप भी हमारी तरह ग्रस्ती हैं, माई लोई आपकी पत्नी है, कमाल और कमाली आपके बेटा बेटी हैं, कमाल और कमाली, लड़के का नाम कमाल और लड़की का नाम कमाली।
आपकी गृहस्थी में स्वर्ग है, हमारी गृहस्थी में नहीं। हमें भी तो महाराज बता दीजिए हम अपने घर में स्वर्ग कैसे लाएं। बहुत अच्छा प्रश्न किया, अभी बताऊं। हां जी चलो फिर, जहां बैलगाड़ियां जा रही हैं, सुनो सुनो सुनो, घर बार भूल के सुनो। वो जिसने प्रश्न किया, वो और उसकी पत्नी और भी कोई होंगे साथ, जैसे ये हमारे पास ही बैलगाड़ी जा जाती है, कच्ची कच्चा रास्ता जा रहा है और ली नजर आएगी हमें। कबीर जी वहां ले गए उनको लोई, तूने कहा था मैंने घी बनाया है, हमारा लोटे में रखा हुआ घी लिया, जो आ गया ध्यान से सुनना जरा, सब के सब महाराज में लेके आ गई, आओ मिट्टी को इकट्ठा करो, इकट्ठा कर दिया गया, घी डाल के गूंथ दो इसको, जो आ गया गूंथ दिया, चलो इसको मेरे सामने चौके में ले चलो, इसकी रोटियां बनाओ, जो आ गया बिल्कुल रोटियां बना के चोपड़ो, जो आ गया थाली पे में परोस दो, जो आ गया बाकी जो बच गया है इसके गोल गोल बना के तल दो सब्जी के लिए, तल दिया गया। अभी हम भोजन करने आएंगे, आप हाथ धो के आइए, मैं तैयार। अब गृहस्थी को कहने लगे, अभी कुछ और रहेगी कसर के मैं और समझाऊं। महाराज मेरे पल्ले नहीं पड़ा, ये पत्नी मेरी, मैं इसका पति, ये मेरा बच्चा, ये आपने क्या किया? और आनंद पाने का, स्वर्ग बनाने का आपने कारण नहीं देखा? मैंने मिट्टी को कहा गूंथ दो, उससे इनकार नहीं किया। मैंने कहा इसकी रोटियां पकाओ, इसने रोटियां परौंठे बना दिए, घी लगाया और गोल गोल सब्जी के लिए भी तल दिए जी, और बर्तन भी रख दिए रोटी खाने के लिए, सब कुछ कर दिया। तो जिस घर के अंदर इनकार नहीं होता, हर बात में हां में हां मिलाई जाती है, वह परमात्मा का निवास, और जहां परमात्मा का निवास वहीं स्वर्ग है। आपके घरों में बात बात में टोका टाकी, मानना नहीं, जिद करनी है, कठोर शब्दों का व्यवहार करना है, तो वहां फिर शैतान आ जाता है और फिर जीव की हलचल मच जाती है। दुख सुख में कौन बराबर, या हां में हां मिलाई जाती है। समझ गए महाराज, हमारे में बड़ी भारी कमी है। चलो मिले चलो तुलसीदास महाराज जी के श्री चरणों में। 17वीं शताब्दी के ये थे, यही प्रश्न इन सभी का भी पूछा गया। उत्तर में एक इन्होंने घटना सुना, याद रखिए क्या घटना। एक सेठ थे, बड़े ही अमीर और बड़े दानी, जो किसी ने मांगा, पुरुषार्थ किया, उसकी संतुष्टि कर दी। कुछ वर्ष गुजर गए, एक दिन अचानक लक्ष्मी भगवती सपने में आई। सेठ जी ने प्रणाम किया, माता जी आप आज आए हमारे घर में, हमारे अहोभाग्य, बार बार प्रणाम करके चूम लिया चरणों को। सेठ अब तो और प्रणाम करके मेरे पर बोझ न चढ़ा, क्यों? मुझे मेरे नारायण ने आज्ञा दिया है कि मैं सदा के लिए तेरे से जा रही हूं और तुझे दाने दाने का मुथाज कर दूंगी, मेरे से कोई दोष हुआ ये मैं नहीं जानती, कोई मैंने पाप कर बैठा ये मुझे नहीं पता, क्या मेरी कमाई में कोई पाप की कमाई मिल गई है ये नारायण जाने, मुझे आज्ञा हुई है।
मैं तो अब तेरे पास ठहरूंगी नहीं, पर तूने मेरी दिलो जान से अपने परिवार के साथ सेवा की है, दान में मुझे खुश किया, मेरी महिमा गा गा के आपने मुझे खुश किया। मैं एक वरदान देना चाहती हूं, मुझे ना मांगना, क्योंकि मैं तो तुझे दाया दाने का मुठाद कर दूंगी, और कोई वरदान चाह तो मांग दे, मुझे कल की मोहलत दो। मेरे पांच बेटे, पांच पुत्र वधुएं हैं, पत्नी है, इन सब की राय लेकर के मैं कल फिर सपने में आइए जरूर। सवेरे किसने रोटी खानी थी और कहां तवा चूल्हे पर गर्म होना था, हल चल मच गई कि इस तरह हमारे पिताजी के सपने में लक्ष्मी आई है और वो सदा के लिए इस घर को छोड़ के चली जाएंगी, हमें दाने दाने का मुथाद कर देंगी। और उन्होंने पिताजी से कहा है कि लक्ष्मी ना मांगो, और कोई वरदान लेना है तो मुझसे ले लो, क्योंकि आपने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं कुछ न कुछ जरूर देना चाहती हूं। तो पिताजी ने सारों को सेठ जी ने अपने सामने आधे दायरे में बिठा लिया सेमी सर्कल में, तो अपनी पत्नी से पूछा, मेरे तो मन का तवाजन इतना खराब हो चुका है कि देवी भगवती को मैं मनाती रही सारी जिंदगी, मेरे बाल सफेद हो गए और अब वो नाराज हो चुकी हैं। हर प्रकार से उनको संतुष्ट करने की मैंने कोशिश की, मूर्ति द्वारा, मंत्रों द्वारा, दान द्वारा, ब्राह्मणों से शुभ भावना लेने द्वारा, वो सब मिट्टी में मिल गई, मेरे किए हुए शुभ कर्म सब खत्म, मैं नहीं जवाब दे सकती। बेटों की बारी आई, बेटे तुम बतलाओ। हां पिताजी, बड़े बेटे ने कहा, मैं बताता हूं। उनसे ये कहो, बेशक तुम चली जाओ, हीरे हमारे पास रहने दो। बेवकूफ, हीरे क्या माया नहीं, लक्ष्मी नहीं? हां बुद्धू रहा तू, इतनी बड़ी बड़ा होकर के भी। उससे छोटे ने कहा, पिताजी मैं बताता हूं कि बेशक लक्ष्मी जी तुम सब चली जाओ, बेशक हम अगर तुमने नारायण का कहना मानना है तो हमारी जमीन ही हमारे पास रह जाए। बुद्धू, जमीन भी तो लक्ष्मी होती है। हां तीसरे ने से पूछा गया, तुम बताओ मैं क्या वरदान मांगू? पिताजी उनसे कहो हमारी गुडविल साख मार्केट में बनी रहे। धन के बिना साख कहां होगी? धन होगा तो साख होती है, गुडविल। जब धन ही नहीं रहना, उन्होंने ऐसी दुर्घटना कर देनी है कि लोगों का विश्वास ही उड़ जाएगा। वैसे कहावत हमारे मशहूर है, आपने सुना, लाख जाए पर किसी की साख ना जाए। अगर साख रह गई तो लाख और पैदा हो जाएगा। तो गुडविल ही गई, साख ही गई तो लाख कहां से पैदा होगा? इसलिए कहा जाता है, बद से बदनाम बुरा। अंदर से गरीब हो जाओ पर लोगों को ना पता लगे आप अंदर से खोखले हैं, तो आपकी बात कभी ना कभी बन जाएगी। पर अगर सारों को पता लग गया कि आप अंदर खोखले हुए पड़े गए, वो सफेद चने की तरह जिसको घुन खा लेता है, फिर आपका समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। बहुओं से पूछा गया, सबने चगले मारी, अर्थात व्यर्थ की बातें की, अनुपयुक्त बातें की। सबसे छोटी बहू ने कहा, पिताजी ऊपर का कपड़ा गले में ले लिया और आगे हाथ बांध के कहने लगे, पिताजी मैं हूं सबसे छोटी हूं, पर अगर आप आज्ञा दें तो अब वारी तो मेरी आई है, मैं कहूं आपसे। बेटी, सबने निराश कर दिया है मुझे। हाँ पिताजी, सुन लो, जैसे आपकी मर्जी। उनकी चरणों में हमारी ओर से प्रणाम करके कहना, अच्छा तो होता हमारे पास बने रहते, पर नारायण जी ने आज्ञा दी है तो आप जरूर हमें कंगाल बना के चले जाओ, हमें भूख नंगा कर दो, हमें दाने दाने का मुथाज बनाकर भिखारी बना के चले जाओ, जैसा भी हो। हां एक कृपा कर दो, पांच मेरे पुत्र, पांच मेरी बहुए, एक मेरी पत्नी, हम एक मुट्ठी बना करके अपने घर में रहे, उजड़ ना जा, हमारे में प्यार बना रहे, ये जो संकट आया हम रल मिलके ले ले।
शाबाश मेरी बेटी शाबाश। मैं यही कहूंगा, अगर हम सारे इकट्ठे रहे तो कितना बड़ा कष्ट आएगा, हम रल मिलकर ले लेंगे तो कष्ट महसूस ही नहीं होगा, कष्ट कम प्रतीत होगा। अगर हम अलग अलग बिखर गए तो छोटा दुख भी हमें बड़ा भारी दुख प्रतीत होगा। ठीक है मेरे सजो मेरी देवी हो, गुसाई जी कह रही गई कि भगवती आई सपने में, वही प्रश्न फिर किया गया मुस्कुराते हुए सेठ ने कहा जी जरूर, अब आपने जाना नारायण जी ने कहा तो नारायण जी हमारे भले के लिए कह रहे होंगे या हमारे किसी जन्म के बुरे कर्म आगे होंगे, उनका भुगतान हमने देना होगा। आप देवी जाइए, हमें दाने दाने का मुठाज बना जाओ, हमारी हमें आठ पैरी रोटी मिले, हम एक दूसरे के कपड़े पहनते रहे, इतने भी कपड़े ना हो कि हम अपने तन को ढांप सके, वो बाहर निकले तो उसके पहन के जाए, वो बाहर निकले तो उसके पहन के जाए, बेशक इतना कर दो हमें, लेकिन हमारे में प्यार बना रहे, सहानुभूति बनी रहे, हम बिखर ना जाए, हम एक ही परिवार में रहे, मुसीबत आए तो हम रल मिलकर इकट्ठे कर ले, जरूर तथास्तु। इतने में नारायण प्रकट हो गए, अरे पगली मूड कहीं की, ये क्या कहा तूने, मेरी अवज्ञा की, कोई शाप दे दूं तुझे? महाराज मैंने ये तो नहीं कहा मैं आपके पास रहूंगी, हमें ये मानता हूं तूने नहीं कहा। नारायण बिगड़ गए, गुसाई जी कह रहे हैं ये तूने क्या वरदान दे दिया, मैं तो जल लेके डाल दिया आपके नाम पर, ये क्या किया? जब इनमें प्यार बना रहेगा, इनमें कष्ट आएगा, मैंने इनको मुथाज करना है, इनकी बीमारी आनी है, इनके घाटे पार डाल देने आए, इन्होंने बिजनेस कर रखा है वो सारे घाटे में डाल दूंगा, जमीनों में कीड़े डाल दूंगा, इनके सारा कुछ करने जा रहा हूं, तो इन्होंने आपस में प्यार रखा, संकट में एक दूसरे काम आए, हाँ इनका प्यार बना रहा, इनमें सहानुभूति बनी रही, तो फिर मैं कहां जाऊंगा, मैं तो वही हूं जहां आपस में प्यार, जहां आपस में मिल वर्तन है, मैं फिर इनको छोड़ के जा ही नहीं सकता। नारायण ने कहा मिलवर्तन रहेगा, प्यार रहेगा, हाँ एक दूसरे कहना मानते रहेंगे, और मैं इनको छोड़ ही नहीं सकता, ये तूने क्या कह दिया, और जहां मैं हूं वहां तू मेरे छाया बन के आएगी। गुसाई जी ने कहा दुख तब होता है जब हम एक दूसरे का कहना नहीं मानते, और बड़ा भारी दुख आए तो भी वो सुख नजर आता है जब हमारे में मिलवर्तन हो, आपस में प्यार बना लो। महापुरुषों की बातें साबित करती हैं, वो बड़े थे नाम के नहीं काम के बड़े थे। गृहस्थाश्रम में रहने वालों सुनते जाओ जरा, दुख सुख में बराबर कैसी हूं, सब दिन तो एक जैसी रहती नहीं, चांदनी भी थोड़े दिन रह करके अंधेरी रात में बदल जाती है, तो आपके लिए मैं वो बातें रख रहा हूं जो प्रैक्टिकेबल है, जो आप व्यवहारिक रूप दे पाएंगे। रुपया वही होता है जो बटवे में हो, जो बैंक में पड़ा वो आपका रुपया नहीं, जो आपके पर्स में है चाहे 50 रुपया चाहे 40 रुपया है, यही काम आने वाला है। तो ज्ञान की बातें वो जो रोज हमारे काम में आए, ग्रंथों में लिखी पड़ी हो या मेरे जैसे प्रचारकों के हृदय में हो, वो नहीं, जो आपने ले ली है, आपके मन में रख ली गई है, वो पता नहीं किस वक्त काम आ जाए। चाहे कहती है जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, और ज्ञान वो जो दुखों में आके हमारा हाथ थाम ले, तो वो तो वही होगा जो जिसको हमने पकड़ लिया होगा। चलो विवेकानंद के पास ले चलू, स्वामी जी से यही पूछा गया अमेरिका में कि आपने अभी समता की बातें की है, इक्वेलिटी की बातें की है, बैलेंस की बातें की है, तो हम लोग मादा प्रस्त हैं, ये मटेरियलिज्म में लगे हुए गए, भौतिकवादी हैं, तो इसको कैसे अपनाएंगे, और अपने मन की, उन्होंने ये तो नहीं पूछा भी सुख दुख में बराबर कैसे रहेंगे, हमारे मन का तवाजन बना रहे एक ही बात, तो ये संभव कैसे होगा, हम अनबैलेंस ना हो, बैलेंस में रहें, तो नो डाउट फिर हमारी खुशी बनी रहेगी। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा आपने मेरे लेक्चर फिर ध्यान से नहीं सुने, ये कुछ दिन पहले मेरे देवियों प्रश्न हुआ था उन पर जबकि वो भारत वापस आ रहे थे, अफसोस है कि आपने क्षमा मांगी गई, सब ने अंग्रेजों ने लेडीज ने क्षमा मांगी, तो वहां ये रिवाज है क्योंकि इकट्ठी बैठती हैं वो शेक हैंड करके घरवाली और घरवाला, उनको विश्वास देने कहीं चली न जाए या वो कहीं छोड़ के न चला जाए, तो एक वहां देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि भारत कैसा भारत और ये कैसे,
और यूं बैठे जैसे अपने घर की बैठक में बैठी हूं, जैसे एक यार दोस्त अपने बगल में यूं हाथ डाल के और यूं ऐसे बैठती है, वो कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कुछ जैसे अपने बैठक में हो। तो सबने उठ के क्षमा मांगी। स्वामी जी ने कहा मैं रोज तो लेक्चर देने से पहले बोलता हूं। क्या स्वामी जी शुरू भी तब करते थे, कोई मंत्र नहीं बोलते थे, हम लोग तो मंत्र बोल के भगवान को प्रणाम करके कहती हैं, वो तो सीधा ही सीधा ही उन्होंने कोई भगवान का नाम नहीं लेना, सिद्धांत से बात करनी, लिविंग इन द वर्ल्ड इंटायरली आउट ऑफ इट, ये दो बार बोल दिया, लिविंग इन द वर्ल्ड इंटायरली आउट ऑफ इट, संसार में ऐसे रहो जैसे कमल का फूल रहता। ये उनके रोज के लेक्चर के पहले शब्द होते थे, लिविंग इन द वर्ल्ड इंटायरली आउट ऑफ इट, संसार में रहते हुए इसे निराले बनके रहो, कि जब तक तुम निराले बनना नहीं सीखते तब तक सुख दुख में बराबर कैसे हो, तुम्हारा माइंड बैलेंस हो ही नहीं सकता। अपने आप को बराबर बना के रखो, रहो संसार के अंदर लेकिन इससे निराले बन के रहो। फिर प्रश्न पर प्रश्न हुआ, यही तो हम पूछ रहे हैं, इनडिफरेंट, उन्होंने इनडिफरेंट सब लगाया, इनडिफरेंट कैसे होकर रहे, यानी इनके साथ हमारी रुचि भी ना हो। निराले ऐसे होते हैं, मैं समझाता हूं आप, हां जब तू अपने मायके आती है तो कैसे रहती है, और जब तू ससुराल में जाती है चाहे 40 साल भी ससुराल में हो गए हो कैसे रहती है, दोनों में बड़ा अंतर है। आप बूढ़ी हो चली हो, बाल आपके सफेद हो गए हैं, लेकिन मायके में कुछ और तरह रह जाता है, ससुराल में कुछ और तरह रहती है। ससुराल में इनडिफरेंट होकर मायके में घुल मिलके मजाक कर, ये कर, किसी को चूटी लगा ले, किसी के बाल छोड़ ले, किसी के कुछ कर ले, भाभी को छेड़ रही है, मेरे भैया को छेड़ी जा रही है, कहीं पानी गडवी में लेकर के अपने भैया पे डाली जा रही है, उधर तो नहीं कर सकती है ऐसा, इधर कितनी छेड़ा छाड़ी, ये वो बहुत कुछ करते हो। हाँ तो संसार में कैसी रही, जैसे हमारी बेटियां ससुराल में रहती हैं, उनका मतलब ही पूरा कर देती हैं और अपने आप को उलझने नहीं देती, तो ये संभव कैसी गए। विवेकानंद ने तो इनडिफरेंट बात कह दी, लेकिन मैं उनके चरणों के शीश रखता हुआ थोड़ी सी बात कहूंगा, इसके लिए वैराग चाहिए। या उन्हें शब्द इनडिफरेंट लगाया है, मेरी छोटी बुद्धि के अनुसार अगर वो वैराग कह देते तो बहुत अच्छा, वैरागी बन के आदमी रहे। क्या मतलब, किसी भी प्राणी पदार्थ को अपना समझने के बजाय भगवान को समझे, कि मेरा नहीं, ये मेरे भगवान की अमानत है। सुनो मेरी कल्याणकारी देवियों, ये हमें बार बार पक्का, चाहे हजार नहीं लाख बार आपको बोलना पड़े, कोई चीज यहां की मेरी नहीं, ये सृष्टि परमात्मा ने अपने शौक से बनाई है, परमात्मा इसको चला रहे गए, आखिर में परमात्मा इसको लेके अपने में समा देंगे, ये जरूर कहना। सृष्टि को समझना हो तो हमारे वेद भगवान कहती हैं नदी के किनारे खड़े हो जाओ, ये बुलबुला कहां से निकला, पानी में, पानी से निकला, कहां खड़ा है, पानी पास, आह कहां चला गया, पानी में चला गया। यदि आप बुलबुले की फिलॉसफी जान लें तो सृष्टि की फिलॉसफी जान लेंगे। प्लीज विद मोर अटेंशन, विद इधर मोर कंसंट्रेशन, बुलबुला पहले तो नहीं था, वायु का विशेष प्रकार का झोंका चला है मेरे सज्जनों मेरे देवियों, उस विशेष प्रकार के झोंके ने पानी में स्पंदन पैदा किया, अगला मिनट से मूवमेंट पैदा की जिससे बुलबुला बन गया। बुलबुला खड़ा कहा पानी पर, वो देखते देखते बुलबुला फूट गया, किसमें फूट गया, पानी में फूट गया। सृष्टि आई कहां से, भगवान से, सृष्टि खड़ी कहां, भगवान की शक्ति से, और भगवान सर्वव्यापी है, सृष्टि गई कहां, भगवान के अंदर ही समा गई। जो इस बात को भली भांति पकड़ेगा संसार में उलझ नहीं सकता। भले आपका नारी का चोला और मन आपको शुरू से भगवान ने नरम बनाया पर आपका मन उलझेगा नहीं, क्यों मेरे से पूछो, क्योंकि अब इंपॉर्टेंस आप भगवान को देंगे। अब हम बुलबुले की बात जान गए तो किसको देंगे, चाहे बुलबुला नहीं, बुलबुले की मां नजर आए, बुलबुले का बाप मां नजर आए, बड़े बड़े बुलबुले नजर आए, लेकिन हम महत्ता किसको देंगे, जल को। गौर फरमाइए, जरा ध्यान देना मेरी देवियों, अब मैं और आपसे जितनी बुद्धि भी रखती है किसको माता देंगे, बुलबुले टूटने वाले को नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि कहेगी बुलबुला बनने से पहले क्या था, जल, बुलबुला टूटने के बाद क्या रहा, जल, तो बुलबुले के समय भी जल ही सत्य है। यही बात ध्यान देना, बुलबुला बनने से पहले क्या था, जल,
बुलबुला है तो नीचे क्या है? जल। बुलबुला फूट गया तो क्या? जल। तो जल इज दी ओनली ट्रुथ। इस तरह सृष्टि रब ने नहीं बनाई तो क्या था? सर्वव्यापी रूप में मेरे परमात्मा थे। सृष्टि बन गई तो कौन है? वही परमात्मा इसको चला रहा है। सृष्टि में परले आ गई तो क्या हो गया? वही परमात्मा। अब आपकी मन और बुद्धि मालिक की ओर झुक जाएंगी। अब क्या होता है? अब हमारी मन बुद्धि रूपों में झुकी हुई है। मां बहुत अच्छी लगती है, पिताजी बहुत ही अच्छे लगती हैं। कौन से पिता? विशेष शक्ल वाले पिताजी, बाकी अंग छोड़ दो परे। ये विशेष राउंड फेस वाली मां। हाँ, ये बहन आपको बहुत अच्छी लगती है, भैया आपको बहुत अच्छा लगता है, प्यारे भैया कह के कैसी तो उसके गले के अंदर दोनों हाथ लिपटा लेती है। हाँ छोटा है मेरे से ना। जी जी जी, बहन आपको कितनी अच्छी लगती है, क्या करूं, दोनों बहनें मेरी छोटी हैं, एक को इधर ले लेती है, एक को इधर ले लेती है, कितना प्यार करती है। हाँ मुझे अपने बच्चे भी इतने प्यारे हैं जितने मुझे अपने बहन भाई प्यारे गए। इतनी बड़ी होगी फिर भी पिताजी को कैसे बच्चों की तरह लिपट जाती है। हाँ तो ये शक्लें, पति या पत्नी, इसकी क्या शक्लें? बाकी शरीर छोड़ दो, ये शक्लें हमें अच्छी लगती हैं, प्यारी लगती हैं। हाँ अब क्या होगा? अब इन ये शक्लें बनाने वाला हमें अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब हमने महत्ता किसको दे दी? इन बनाने वाले को दे दी, जो शक्लों को बना रहा है, शक्लों को चला रहा है और शक्लों को अपने में ले रहा है। शाबाश। ये एक नियम फिर याद कराऊंगा आप सबको देवियों, ये एक परमात्मा ने सृष्टि के साथ ही नियम, जितने भी अटल नियम है भगवान ने सृष्टि के साथ बनाए हैं। जैसे इस शरीर के अंग भगवान ने शरीर के साथ ही बनाए हैं, ये नहीं कि हम मां के पेट से बाहर आए थे तब ये अंग बनने शुरू हो गए, ना। आंतरिक और बाह्य जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, ये सब के सब प्रभु ने अंदर से ही बना के हमें प्रकट किया है। वेल एंड गुड। इस तरह जितने भी अटल नियम सृष्टि में, मैं आपको टाइम टू टाइम याद करवाता रहता हूं, ये भगवान ने सृष्टि के साथ ही बनाए गए। अच्छा, अब ये अटल नियम भगवान ने सृष्टि के साथ बनाया है। कौन सा अटल नियम? कि ये सारे जितने भी प्राणी पदार्थ हैं अपना काम पूरा करके वापस आ जाएंगे। आह, अब हमारा मन भगवान की ओर झुक जाएगा। देखिए, अगर नहीं झुका तो मेरे लिए भी शर्म और आपके लिए भी शर्म। इतनी गीता की फिलॉसफी सुनने के बाद, इतना विस्तार ले लेने के बाद, खासकर इन दिनों, आपके मन का झुकाव भगवान की ओर हुआ है कि नहीं? आपका मन प्रभु की ओर झुका है कि नहीं? रूपों की ओर झुकता है? अभी आपका मन पति पत्नी को देख करके प्यार में या कामुकता में आ जाता है, या पति देव को देख करके आप अपना तवाजन खो जाती हैं, या बच्ची को देख करके आप अपने सने से बाहर हो जाती हैं? ये प्रकृति का नियम है। क्या? जिसको महत्ता देंगे अटल नियम, मन का झुकाव उधर हो जाएगा। शुरू से ही अगर हमारे मां बाप भगवान के बहुत प्यारे होते तो हमें भगवान के बारे में समझा देते। सिर्फ इतनी बात, भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद है, दुनिया उसके उलट है। दुनिया सत्य नहीं, दो दिन रहने वाली या असत्य है। दुनिया चित्त नहीं, जड़ है। दुनिया में आनंद नहीं है, दुनिया चलायमान होने के कारण से दुखों का घर। बिल्कुल तीन गुण सत्य, चित्त, आनंद भगवान में, और दुनिया में उसके उलट तीन अवगुण है। तो हमारा मन भगवान को महत्ता देता। मेरे सजनों, मेरी देवियों, हम जहान को महत्ता न देते। हमारी बदकिस्मती या एज इल्लक वुडेविट, हमारे मन ने जहान के रूपों को महत्ता दे, सारे रूपों को नहीं जो हमारे संपर्क में आती हैं, तो इनको महत्ता दे दी। हाँ, फिर क्या हो गया? दो जबरदस्त बीमारियां हमें चिपट गई, राग और द्वेष, अट्रैक्शन और रिपल्शन। उर्दू वालों, रगबत और नफरत, जबरदस्त ये दो बीमारियां हमारे में लग गई। इससे क्या हो गया? हम पक्के संसारी बन गए, पक्के प्रपंची बन गए। अब जब हम भगवान की चोटी की वाणी सुनते हैं तो हम असलियत की पहचान करते हैं। कभी असलियत की पहचान की जाए, या एक जो घटना मां कृष्ण ने सुनाई है, मेरे से सुन लो ना। सेठ जी आए अचानक, सेठानी से कहा तिजोरी में जा और एक पुरानी मुंदरी पड़ी है लेके आ, जरा टेढ़ी हुई पड़ी है। आए, मैंने बकवास कर दी, तिजोरी में जाके, हाँ
थोड़ा सा सोना लेके आ, ये कहा। तो कहने के बच्चों के बाप आपको क्या हो गया, सोना हमारे यहां है ही नहीं, मैं तुझे क्या बताऊं, सोना हमारे पास नहीं है, तिजोरी में सोना नहीं पड़ा, जरा भी नहीं है सोना तो वहां, मैंने आज दोपहर को भी खोली थी, अब फिर खोल, सारी चक्कर कटकटा करके आ गई, सोना वह है ही नहीं, आपकी कसम खाती हूं आप मुझे क्या चेक के, आज मुझे क्या हो गया, मैं कहता तुझे क्या हो गया, ले चाबी, ध्यान देना बड़ा अच्छा दृष्टांत मां कुछ दे गए, ले चाबी, ली खोली, अब बीच में से एक मुंद्री निकाल के ले आए, ये देख ये तो मुंद्री है, छाप है, सोना थोड़ा है, फिट्टे मुंह तेरा, ये मैं दर्द कह रही हूं, रो भी पड़ी, मैं दर्द कह रही मुंद्री है, छाप है ये, और मुंद्री छाप है किसकी है, ये आपकी, नहीं 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 ये मेरी काकी की, मेरी बेटी की है, बनी किसकी गए सोने की, तो ये सोना नहीं, हाय मैं ना गहनों को ही अपने में रखे बैठी हूं, मैंने ये ख्याल ही नहीं आया कभी कि ये सोने के गए, ये मैंने ये बना रखा है, ये मेरी बहू के गए, ये मेरे गए, ये मेरी बेटी की गए, ये मेरी छोटी बहू के गए, मैंने गहने गहने इसी को महत्ता दे रखी है, पर जिससे बनी है उधर ध्यान ही नहीं, हम लोगों ने अपनी बदकिस्मती से इन रूपों को ही महत्ता दे रखी है, और रूपों के अंदर जो है उसकी तरफ ध्यान तक नहीं, जो इनको चला, जिसने जो मुंद्री को बनाए बैठा है सोना, उधर ध्यान ही नहीं बेटे, उधर ध्यान ही नहीं। आप मुझे बताएंगे स्वर्ण कैसे लिखते हैं, बहुत सी जानकारी करवाने की कोशिश कर रहा हूं, हिंदी में राष्ट्रभाषा में आप स्वर्ण कैसे लिखेंगे, कैसे लिखोगे शब्द स्वर्ण का लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, क्या करोगे, आधा सालों का बस आप खामोश, हमारी ग्रामर हमें लानत मारती है, हमारा व्याकरण हमें दो लानते मारता है, जब सोने को आप लोगों ने तपवाया स्वर्णकार से, सुनार को बोलती है स्वर्णकार, सोने काम करने वाला, तपा के उसे खोट निकाल दिया, उसने बड़े सुंदर उसे घर दिया, ऊपर कोई विशेष चीज चढ़ा के उसे चमका दिया, तब उसका नाम पड़ गया सुवर्ण, सारे छोटे हो की मात्रा, वा और अड़ा के ऊपर रा, सुंदर रंगत वाला, चमक वाला, दमक चमक वाले, उसको बोलते हैं सुवर्ण, वर्ण मैंने रंग, और सु मैंने बहुत सुंदर रंग बन गया है जिसका वो स्वर, हम बोलते हैं स्वर्ण 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 सुवर्ण, आए मेरे रब्बा, उसने एक विशेष प्रकार की आकर्षक शक्ल ले ली, हमेशा दिमाग में रखना, शब्द स्वर नहीं सुवर्ण है, लेकिन वो कब, जब कुछ बना हुआ हो, ध्यान देने बेटी, जब कोई गहना बना हुआ आभूषण में हो, ऑर्नामेंट में हो, देन यू आर ऑथोराइज टू से सुवर्ण, ये सुवर्ण है क्योंकि एक नई शक्ल ले ली, एक चमक दमक उसने रख ली अपने अंदर, इसी तरह है तो ये क्या पिताजी का खून है, ये मेरा और आपका शरीर क्या है, पिताजी का खून, पिताजी का वीर्य, हाँ लेकिन वो सुनारे को देखो, भगवान को उन्होंने इतनी सुंदर शक्ल दे दी, क्या मुंद्री को क्या सोने को भूल गए, इसी शक्ल पर मर गए, है तो खून ही क्या है, थोड़े से पानी है कतरे है पिताजी के, और ये सत्संग में खासकर गीताजी में आने का मतलब क्या है, सुनारे की गाढ़ को ना देखें, बल्कि सुनारे ने जिससे इसे बनाया है उसकी असलियत को देखें, अगर सत्संग में ये बात पक्की हो गई तो सत्संग है, वरना वो सत्संग नहीं कुसंग है, संसार को कुसंग तो बोलती है, भगवान भुला देती है, शक्लों में फंसा देती है, इसलिए कुसंग है बेटे, कुसंग है। और पूछा महापुरुषों ने, दुष्ट किसे कहती है, बोलो टाइम नहीं लगाया करो, दुष्ट के साथ एग्री नहीं करेंगे, वो कहती है दुष्ट वो, अब याद रखने ये बातें हैं और आपके काम आएंगी, क्या कहा, दुष्ट कौन, पहले बड़ी उम्मीद थी, हाँ अचानक बिजनेस खराब हो गया, हाँ गरीब हो गया,
फटे हुए कपड़े, साइकिल का मडगाड़ी कोई नहीं, पैडल के ऊपर रबड़ के गुटके ही कोई नहीं, लोहे की डंडी को चलाई फिरते हैं बड़े गरीबों के, चुन्नी पर कितने ही रोशनदान बने पड़े हैं आपके, है ही नहीं नई खरीदने के लिए, 50 रुपए की कौन चुन्नी दे, इसी से गुजारा हो रहा चलो ठीक है। बड़ी इज्जत थी, इज्जत भी नहीं रही, कुछ और भी बुरे बुरे कर्म करने लग गए, हालात बिगड़ते चले गए, किसी के बिगड़े हुए हाल से सुधर गए, लाखों में खेल गए, और रब वहां पर के ऊपर परोंठे खा रहा है या दूध पी रहा है, वो कर क्या रहा है, शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, इशारा है तेरा काफी घटाने और बढ़ाने में, और कर क्या रहा है। उधर गंसा में भी आता गए, नजर पुट्ठी जे करे सुताना घाव चरामदा, भिख मंगे आप भिख ना पामदा, अगर रब की नजर उल्टी हो जाए, सुल्ताना बोलते बादशाह को, बादशाह से घास कटवाएगा घसियारा बना देगा, अगर ऐसा गंदा व्यक्ति मांगने भी जाएगा तो भिक्षा भी नहीं मिलेगी, आएगा कहां तक गुरुदेव निकल गए, मंगिया भिख ना पाऊंगा, उनको भिक्षा ही नहीं मिलेगी, बेचारे मरेंगे। तो हालात बदलती हैं, आपने समाज में देखा होगा, अपने अंदर देखा होगा, रिश्तेदारों को देखा होगा, हाँ अब वो बहुत दुखी है, जो लाखों में खेल गए उनके पैर भी नहीं जमीन पे लगते, पहले क्या हालत थी और अब कितनी, अब बेटी की अलग कार है, पिताजी की अलग कार है, वाह अलग अलग कारें गए, अलग अलग शान है, बिजनेस बड़ा शानदार चल गया, पहले ये क्या थे, पहले ये क्या एक 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 सेठ जी के हां नौकर थे, और अब खुद सेठ बन गए, परमात्मा ने ऐसी सुनी। तमाम पुरुष कहती है इसी प्रकार, क्या ध्यान देना, जो हर हाल में संतुष्ट ना रहे, जरा देखना, हर हाल में संतुष्ट ना रहे वो दुष्ट, संतुष्ट ना रहे वो दुष्ट, दुख आ गया अब रो पड़े, सुख आ गया वापिस से बाहर हो गए, अब या महापुरुष कहेंगे बड़े दुष्ट है ये, बड़े दुष्ट है। हाँ महापुरुष के पास एक सज्जन पुरुष आए, यंग आए, तो पट्टी बधी हुई थी सफेद, महापुरुष कुछ बिगड़े, भगवान के प्यारे थे, कहने लगे क्या बात है पट्टी क्यों बांधी हुई है, 2-2.5 घंटे हो गए, बड़ी जोर की सिर दर्द हो रही है, चक्कर आ रहा है। मैंने कहा मैं महापुरुष के बजाय 2 गोलियां भी खाई है, कोई असर नहीं हुआ, आप मुझे शुभ भावना दीजिए या पानी अभिमंत्रित करके दीजिए तो मेरा दुख दूर हो जाए। बड़े ही दुष्ट हो तुम, तुम्हें मैं क्यों अभिमंत्र दूंगा, मैं दुष्ट हूं, रोज आपके पास आता हूं, दुष्ट आदमी तो आपका, तुम दुष्ट हो, मुझे नहीं पता तुम भगवान, ये सिर दर्द कब हुई है, 30 साल हो चुके हैं मुझे सिर दर्द कभी नहीं, 30 साल जिस परमात्मा ने आपके सिर को कभी दर्द ही नहीं दी, उससे थोड़ी देर के लिए तो झंडे मां दे लटकाई फिर जाए, मैंने दर्द हो गई मुझे, दर्द होगी मुझे, दर्द होगी, सहन क्यों नहीं कर लिया, मां दे झंडे लटका लिए सफेद सफेद, 30 साल तो भगवान ने दर्द दी नहीं, अब 2 घंटे तुझे सहन नहीं हो सकी, और डोंडी पिटना है, रब की शिकायत कर रहा है कि मुझे दर्द हो गई, मुझे दर्द हो गई, तेरे से बढ़कर दुष्ट कौन होगा, आयो मेरे रब्बा, जो हम सोच भी नहीं सकते महापुरुष वहां तक पहुंचेंगे, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, कभी मैंने विचारशील, कभी मैंने फिलॉसफर, कभी मैंने थिंकर, अच्छा कभी मैंने वैज्ञानिक, कहां पहुंच जाती है, जो परमात्मा का शुक्र नहीं मनाता, संतुष्ट नहीं रहता, हर हाल में प्रसन्न नहीं रहता, दुख आ गया ठीक है मेरे मालिक, सुख आ गया ठीक है, विषय चला हुआ है, सब दुख सुखा, दुख सुख में जो बराबर है, दुख सुख एक समान, ये मुमकिन कैसे हो, तो मैं महापुरुषों की संगत में आपको बिठाए बैठा हूं, गोसाई जी का जवाब दे दिया, क्या सुंदर, कबीर जी की आपको बात बताई, क्या सुंदर, अब और महापुरुषों की बातें बता रहा हूं, अब ये बुलबुले की बात आपको बताई, असलियत की पहचान करने वाला संतुष्ट रहेगा, जैसे वो कहते सोना अंदर से ले आओ, कहते सोना थोड़ा बदल दे, गहने पड़ेंगे, वो इतने शक्ल पर हम मर गए हैं कि सोना नजर नहीं आता, इतने रूपों में हम मर गए हैं कि नजर नहीं आता, अगर अपनी मोहम्मद जैसी, महाकवि मोहम्मद जैसी
मुसलमानों में एक हुए हैं, अगर सुना नाम जैसी तो बहुत अच्छी बात, महाकवि मोहम्मद जैसी, उनको एक बार राजा ने बुलाया क्योंकि बड़े प्रसिद्ध हो चुके थे और बड़े चोटी के कवि हैं और हिंदी के कवि हैं, उर्दू के नहीं, राष्ट्रभाषा के। तो कुछ राजा ने शिकवे देने थे कि इतनी उम्र लगा दी तो आप उर्दू में कर देती, आपने दूसरे कौम की भाषा को चार चार लगा डाले, कुछ कहना चाहते कि बड़ी गंदी थी, आंखें नहीं अच्छी, गालें कुछ और प्रकार की हैं, बुल सीधे नहीं रब ने बनाए, कुछ और प्रकार के दांत भी टूटे भरने, इसकी शक्ल बड़ी गंदी। तो जब वो दरबार में आए तो सब कह के मारने लगे और ताड़ियां मारने लगे कि वाह, ऐसा तो कभी देखा नहीं, कभी देखेंगे न भूतो न भविष्य। तो पता था रब की कृपा थी जैसी पर, तो हंस के कहने लगे, राजन ये सब मेरे पे अंतरे होंगे ना कि मैं बेशकला हूं। महाराज बात तो ठीक है, ये सारे तेरे क्या हैं, ये सारे मेरे वजीर हैं, मेरे मंत्री हैं। हाँ तो कुछ मैं भी इनसे पूछ सकता हूँ? जरूर, हमने आपको निमंत्रण दिया है, तो ये आपको जो राय देते हैं तो आप मुझे भी राय देंगे। वजीर खड़े हो गए, महाराज जब हंसना था हमने हंस लिया, मजाक कर लिया आपके साथ, आप पूछते तो पूछिए, आपने जो अभी ताड़ियां मारी और हंसे, ये मेरे पे हंस रहे हो कि मेरे बनाने वाले रब पे हंस रहे हो? बस मुझे यही जवाब दे दो, मैं तो यही जवाब चाहता हूं कि कुम्हार पे हंस रहे हो कि मिट्टी पे हंस रहे हो? अगर मेरे पे हंस रहे हो तो मिट्टी का क्या दोष, और अगर बनाने वाले पर हंस रहे हो तो मैं बुरा क्यों मनाऊं? बनाने वाले ने मुझे ऐसे बनाया, बताओ मैं क्या करूं? और अगर मिट्टी पे हंस रहे हो तो मिट्टी किसी की काली और किसी की सफेद, और मैं क्या कह सकता हूं इसमें? रब बनाई मिट्टी, कोई काली थे कोई चिट्टी, हम रब के सब ने बारी बारी आकर के चरणों में प्रणाम करके बड़ी माफी मांगी रो रो के। इसी को कहती है बात की बात और लात की लात। मिट्टी दुख सुख क्या है, ये आपके मन की कल्पना है। अगर हमने ज्ञान द्वारा दुख सुख बराबर करना हो तो शायद इस जन्म में नहीं हो सकता, सुनिए मेरी बात। अगर हमने कर्म योगी बन के दुख सुख बराबर करना हो तो फिर शायद इस जन्म में नहीं होगा है। पर हमें तो अभी चाहिए ना, जैसे आपने किसी से 1000 रुपए कहा, मुझे 1000 रुपए चाहिए, मेरे पास 1000 रुपए तो इस समय भगवान जानते हैं नहीं, लेकिन मैंने तो दुख सुख में आपसे ही मांगा, जब भी मांगा है। हाँ इस वक्त 1000 रुपए की बड़ी जरूरत है नहीं, अच्छा छोड़ो पड़े, इस वक्त आपके पास कितना है? 700 है, 700 दे दू, बाकी परमात्मा अपने आप करता रहेगा, जो है वो दे दो। तो हमें तो वो चाहिए, कोई ऐसा फार्मूला चाहिए जो हमें अभी 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 दुख सुख में बराबर कर दे। इसी वक्त मेरे स्वामी जी यही तो कहा करते थे, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। बेटी हमें तो सत्संग में ऐसी बातें चाहिए जो कल तक ना छोड़े, कल नाम काल का, कल नाम काल का, जो कल पे छोड़ते हैं वो कभी नहीं अपना। कर लवंगे कर ऐसे नालायक अपने साथ मजाक कर रहे थे, अपनी आयु को मेरी बेटियां तबाह कर रही हैं। कल नहीं, हमें कोई ऐसा उपदेश चाहिए, ऐसा फार्मूला चाहिए, ऐसा ज्ञान चाहिए जो अभी काम आए, नाउ एंड हेयर, नाउ एंड हेयर काम आए। फिर वो भक्ति का मार्ग दे मेरे सज्जनों, ज्ञान द्वारा बात बन नहीं सकती, ज्ञान तो पहले कहता तू शरीर नहीं परे हट, ये अनुभव करना आसान नहीं। और कर्म योग कहता स्वार्थ को छोड़ कर्म दूसरे के लिए कर, ये आपके लिए आसान नहीं। भक्ति कहती है अभी ले, अभी अभी, जैसे तूने कभी तेरे पास 1000 रुपए नहीं तो क्या है, 700 दे दे। भक्ति कहती है अभी इसी समय दुख सुख बराबर कर दूं आपका, अभी अभी ले लो, मैं भी अपने अंदर रखे फिरता हूं, यथा मति यथाशक्ति खुश रहता हूं। आप भी अभी यह फार्मूला पकड़ लो और इसी फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट आप दुख सुख बराबर रहेंगे, इसी समय। हाय काय, ऐसा कोई नुक्ता है बाबा? हाँ मेरे दिव्यो, ऐसा बड़ा भारी पॉइंट है। और आप जैसे जो श्रद्धालु हो कल्याणकामी हो, दो गुण होने चाहिए इस गुण को अपनाने के लिए बताने जा रहा हूं, श्रद्धालु हो और कल्याणकामी हो, एक आप में अनशेकेबल फेथ हो और दूसरा अपने वेलफेयर की तमन्ना हो कि मैंने अपना वेलफेयर करके जाना है, ऐसे नहीं, अपनी साथ बहबूती करनी है, ऐसे जुल्म करके नहीं जाना अपने साथ। तो अभी ले लो बच्चे, एट दिस वेरी मोमेंट आपके लिए दुख सुख बराबर हो गया, अभी नहीं करोगे तो फिर मर्जी आपकी, मैं तो प्रगट कर रहा हूं, मैं अपना कर्तव्य अदा किए जा रहा हूं
और इसी को मैं भी अपनाए हुए हूं, इसलिए मुझे नाज है कि आप अपनाएंगे तो बड़ी जल्दी अपना, अभी, कल भी नहीं, रात को भी नहीं, अभी। क्या आपने अपने आप को समर्पण किया है कि नहीं? भक्ति का पहला गुण है भगवान को समर्पण कर देना, मतलब सेल्फ सरेंडर कर दे। जैसे आपने शादी करके एक प्राय पुरुष को पति कहा और अपने आप को सौंप दिया, कितनी बड़ी कुर्बानी आपकी। बाजार में अचानक किसी का हाथ आ जाता था तो गालियां देती थी और पुलिस तक नौबत, और या लाखों का धन और अपने सारे शरीर की इज्जत सब कुछ प्राय पुत्र के हवाले कर दिए। नारी की कितनी बड़ी कुर्बानी है। तो प्रेम में होता क्या है? समर्पण। प्रेमिका होता सजनों फिदा हो जाना या अपने आप को सौंप देना, डेडिकेशन, डेडिकेट कर देना। अगर आपने दिलो जान से भगवान के समर्पण अर्जुन की तरह किया, अगर मैं चेला हूं मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता। भक्ति में सबसे पहला होता है समर्पण करना, अपने आप को सौंप देना। अपने आप का मतलब अपनी बुद्धि को, अपने मन को और अपने तन के हर अंग को। बुद्धि में इरादा भगवान का, मन में विचार भगवान के, और तन द्वारा जो भी करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। जैसे घर के अंदर बेटे बेटियां और मां जो भी काम करती है अपने पति देव को, और हम अपने मां पिताजी को खुश करने के लिए करते थे, डरते थे ऐसा न करें पिताजी मारेंगे, इतने नाराज जाएंगे। हमारे घर में तकिया कलाम यही था कि पिताजी नाराज न हो जाए, पिताजी मारे नहीं। मैं तो अपने घर की बातें याद करता हूं, यही आम बोला करते थे, ऐसा न करो पिताजी मारेंगे, पिताजी नाराज हो जाएंगे। नहीं, हम नहीं करते, ऐसा नहीं करेंगे। तो यही बाप हमें बैठते हैं, मेरे से ऐसी कोई क्रिया ना हो जिससे मेरे परम पिता नाराज हो जाए, जिससे मेरी अब इस जन्म में बिगड़ी ना बने और बात अधूरी रह जाए। तो फिर एक नुकता पकड़ लो, क्या कि परमात्मा कान चार चार ले लो, मेरे दो कान लेके सुन लीजिएगा, कोई शब्द अनसुना ना रह जाए। परमात्मा दया के समुन्दर है बाबा, पूर्ण रूप में विश्वास है परमात्मा दया के समुन्दर है। परमात्मा अपना ये स्वभाव कभी बदल नहीं सकते, भगवान में ताकत भी नहीं अपने स्वभाव को बदलने की। देखो मैं बकवास कर गया, हालांकि भगवान सर्वशक्तिमान है पर भगवान अपना दया का स्वभाव नहीं बदल सकते। वो दयालु है, क्यों? वो हमारे मां बाप है, तो मां बाप दया का स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकते। कभी नहीं सुना आपने किसी से पुत्र का पुत्र हो सकता है, पर माता पिता को मां को पिता नहीं हो सकते। पुत्र का पुत्र हो जाए, दैट वी बिलीव, लेकिन मां बाप गंदे नहीं हो सकते। मां बाप फिर भी दया दिखाएंगे। आपको अपना जीवन याद है, मेरी बेटियों को भी जरूर याद होगा, कई बार आपने मां को तंग किया, पिताजी को तंग किया, लेकिन आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मां बाप ने भी मुझे तंग किया। बिल्कुल भी मैं मान ही नहीं सकता कि मां बाप तंग सके, मां बाप हो सुतीले ना हो। है जी, पुत्र का पुत्र हो जाएगा, मां बाप गंदे नहीं हो सकते। तो वो तो हमारे परम पिता हैं। तो ये मन में आपके समाई हुई है कि भगवान दया के सागर हैं और थे और सदा बने रहेंगे। एक बात, दूसरी बात, छोटी मोटी गलती देवताओं से भी हो सकती है, मनुष्यों से भी हो सकती है। हां, क्यों अल्पज्ञ हैं, पूरी बुद्धि वाले नहीं है, लेकिन भगवान से कभी भी कोई कार्य किसी के अमंगलकारी नहीं हो सकता, किसी को नुकसान देने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि जो दयाकारी होगा वो कठोर नहीं हो सकता। वो जो बेटे दयालु होगा वो कठोर नहीं हो सकता, जो कठोर होगा वो दयालु नहीं हो सकता। जहां आग है वहां पानी नहीं हो सकती, जहां पानी है वहां आग नहीं हो सकती। जिसको आप क्या ज्वालामुखी कहेंगे, उसको जो है आप कभी भी शीतल प्रसाद नहीं कहेंगे। दो प्रकार के नाम होते हैं, ज्वाला प्रसाद जो बात बात में क्रोध करे, और शीतल प्रसाद जिसको कुछ भी कर लो खुश रहता है। तो शीतल प्रसाद ज्वाला प्रसाद नहीं सकता, ज्वाला प्रसाद शीतल प्रसाद नहीं हो सकते। भगवान कभी भी कठोर नहीं सकते, क्योंकि वो दया के घर है, दया की किरणें उन्हीं से निकलती। जो हमारे में थोड़ी बहुत ही दया है तो भगवान से आई हुई है। भगवान दया के समुन्दर है, हम मानते हैं। भगवान कभी कठोर नहीं सकते, हम मानते हैं। भगवान हमारे माता पिता है, कोई शक की नहीं है। भगवान जो भी करती हैं उसमें सबकी भलाई होती है, या जिसके लिए करती हैं उस समय उसकी भलाई, भले उस वक्त उसकी बुद्धि माने, मेरे सजनों मेरी देवियों माने या ना माने ये दीगर बात है, लेकिन महाराज जी से जो कुछ भी होगा फॉर आवर बेटरमेंट, हम सबकी भलाई के लिए होगा, ये भी हम मानते हैं। हाँ, इसी समय मैं और आप संतुष्ट हो गए। मालिक जो भी करेंगे हम, हमारे हाथ जुड़ जाएंगे,
प्रभु हमारे भले के लिए आप कर रहे हैं। मालिक आप कभी कठोर नहीं सकते, आप हमारे हैं श्याम सुंदर दया के समुंदर। आप कभी भी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो अमंगलकारी हो। इसी में मेरा भला है, जो भी किया है आपने प्रभु मेरी बेहतरी मेरी भलाई इसी में गए। ऐसा व्यक्ति दुख सुख में बराबर रहे इसी फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट, ये नहीं कि कल या परसों या रात को, नहीं इसी समय ये भाव अगर पक्का कर ले और बिल्कुल पूर्ण पेन फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट हम मान जाए कि भगवान किसी का बुरा नहीं करते, भगवान जो भी करते हैं उसमें हमारी बेहतरी हमारी भलाई होती है जो भी करेंगे। देवी ये मान लेना होगा, वरना कभी भी दुख सुख में आप बराबर नहीं होंगे। भगवान का ये गुण आपसे ना अपनाया जाएगा, नारी चोले में मेरी माताओं मेरी बेटियों, और भगवान का ये गुण हमने इस जन्म में जरूर अपना लेना है। हम भी भगवान से सुनना चाहते हैं कि वो हमें भी प्यार से कहे यही गए मेरा भक्त। इस जन्म में हमें भी शौक पैदा हो गया कि ये गुण ये क्वालिफिकेशन विशेषताएं हमारे में भी हो जाएं, हम भी भगवान के प्यारे बन के जहान में रहें। और इस जहान से कुछ तो करना ही है, इन द लॉन्ग रन वी विल हैव टू लीव रिनाउंस, लेकिन भगवान के प्यारे बन के जाए तो कितना अच्छा। भगवान के प्यारे बन के जाए, एक लड़की पिताजी को बड़ा नाराज करती रहती थी। हाँ ऐसी मान कहना नहीं मानना, आपने मनमानी करनी, पिताजी को क्रोध आ जाता था। अब जाती बार तूने क्या कहा, इतनी लिपट के रोई, पिताजी जो कुछ मैंने किया है मुझे माफ कर देना। डोली बार खड़ी है, बार बार कह रहे हैं आप निकल ही नहीं गई। पहले पिताजी मुझे यकीन दिलाओ कि मैं वहां पर रोती रहूंगी कि मैंने पिताजी को बड़ा तंग किया। आपने मुझे क्षमा कर दिया, आपने मुझे क्षमा कर दिया, कर दिया। मेरी बेटी तो मेरी सगी बेटी है, अब मेरे मन में कुछ नहीं। पिताजी आपने मुझे सच में क्षमा कर दिया। हाँ कार में चढ़ के, कार स्टार्ट हो रही है, बंद करा दी, कार बंद करो, फिर भागी आई। पिताजी आपने मुझे क्षमा कर दिया, मेरे मन में शक है, मैंने आपको तंग बहुत किया है। बेटे तू मेरी सगी बेटी है, मैं तेरा सगा पिता हूं, मैं सच्चे दिल से तुझे वादा दे रहा हूं कि मैंने तुझे सब तेरी भूलें क्षमा कर दी। अगर इस शरीर को पैदा करने वाला बाप में फिर प्यार जा सकता है तो उस परम पिता का क्या कहें। उनके पास तो इतना प्यार और दया है जिसका मैं और आप अनुमान ही नहीं लगा सकते। असीम है, असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं, बेकिनार, जिसका कोई किनारा नहीं। ये बात मान लेनी होगी कि भगवान बेकिनार या असीम दया के घर है। वो जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारी भलाई होती है, भले ही हमारा मन किसी समय माने ना माने, लेकिन भगवान से बुरा नहीं हो सकता। भगवान किसी का बुरा कर नहीं सकते, क्योंकि वो दया के घर। दलील से कहिए तो कहेंगे वो दया का घर है। आप हर समय खुश रहेंगे, हर समय कुछ भी हो जाए, चाहे घटना बाहरी रूप में अनप्लेजेंट हो या अप्रिय हो, लेकिन आप प्रसन्न, मेरे परमात्मा ने किया है ना, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बड़ा खुश हूं। मेरे परमात्मा के हुक्म के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर ये इतनी बड़ी मुसीबत आई है तो हमारे कोई ऐसे कुकर्म है जिनका भुगतान थोड़े रूप में भगवान भुगतान करके अपना प्यारा बनाना चाहते हैं, मुझे अपना अपने साथ मिलाना चाहते हैं। हम उसे पॉजिटिव रूप में लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। दुख तब है जब आप उसे मान लें, ना माने तो दुख है ही नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। अगर आप स्वीकार न करें पिट के मर जाए, तलाक हो ही नहीं सकता। ये एक गवर्नमेंट का टल नियम है, आप कचहरी में जाकर एक विशेष कागज पर चार जगह दस्तखत करेंगे तब माना जाएगा कि डाइवोर्स डर ईडी साथ लिखना पड़ेगा है। वरना गवर्नमेंट के नियम ऐसा है कि वो पिट के मरे नहीं शादी कर सकता दोबारा। अगर आप चार बार दस्तखत करके ये रखें डाइवोर्स डाइवोर्स एंड द सेम राइटिंग इन द सेम वर्ड इन द सेम स्पेलिंग, अगर स्पेलिंग में फर्क डाल दिया, साई में फर्क डाल दिया, फिर दोबारा नया कागज बनेगा। ऐसे मजाक नहीं है डाइवोर्स करना हिंदुस्तान में, यानी संबंध विच्छेद करना। लड़की मानेगी तब होगा, इधर हम भी मानेंगे ये दुख आ गया, अब दुख आ गया क्योंकि आपने दस्तखत कर दिए तो दुख आ गया। अगर आप दस्तखत ना करें तो दुख को दुख कहा ही नहीं जाएगा। आप स्वीकार करो मेरे पे पार टूट गया, अब बाकी दुख आ गया। नहीं क्या हो गया, मैंने कोई कर्म किए होंगे, हाँ तो ये आ गया है, वो तो कोई बात नहीं, उल्टा भगवान ने अच्छा किया, मेरे को कर्म यही कट जाएंगे। दुख आया पर आपने दस्तखत नहीं किए, दुख अपना सा मुंह लेके चला गया। कचहरियों में कितनी तरीके पड़ जाएंगी जब आप नहीं मानेंगी, नहीं हो सकता। जज क्या करेगा, गवर्नमेंट का नियम ही ऐसा है।
जाजे तो नियम के अंदर ही करना है, जाजा अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता। जैसे भारत की विधान के बने हुए नियम अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसे सब कुछ करना है। इसी तरह अगर हमारा मन मान ले, अच्छा सुख आया, कहा आप खुश क्यों नहीं हुए, क्या हुआ, क्या खुश हूं, ये चार दिन रह के चला जाएगा, या तो ये मेरे पास हमेशा ऐसे हालात बने रहे, लो आपके लिए सुख सुख नहीं, दुख दुख नहीं। इफ यू डोंट बिलीव एंड इफ यू डोंट साइन, हस्ताक्षर करें तो बड़ा अच्छा महापुरुष कह गए, हस्ताक्षर मन करे तब वक्त दुख है, हस्ताक्षर करें ये सुख है सुख है। पर जिसके पल्ले विचार, जिसके पल्ले ज्ञान, जो बड़ी दूरदर्शिता से काम लेता है, जो पूर्ण प्रेम मालिक की प्यारी बन गई है, हजूर के चरणों में झुक के साधना कर रही है, दुख सिर खड़ा है वहां के, तू मानेगी नहीं, जैसे तलाक हो नहीं सकता, तुम दुष्कृति ना करो, एक क्या कर लेगा अगर आपको तो मुझे मंजूर नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, तो जाहिर साहब तो कुछ नहीं करते, डेट डाल देंगे दो महीने की और डेट डाली जाएंगे। इफ यू डोंट बिलीव एंड डोंट साइन, तो हम पहले माने कि ये सुख है, पर हमारी बुद्धि और मन भगवान का उपदेश लेकर मानती है, सुख की सुख को मैं क्या कहूं जो दो दो दिन रहकर चला जाए, सुख तो तब रही साथ मेरे बना रहे। शाबाश रामदेव, क्या बात है, तुम उदास रहते हो, तुम्हारी तो शादी हुई थी महीना पहले, ठीक कह रहे हो, फिर उदासी क्यों है, वो कहती है मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, तो शादी तो तब रही, ये रामलाल मान ले कि वाकई मेरी शादी हो गई है, तब तो वो खुश रहे और शू शू रहे और चेहरा लाल बना के रखे और बटन खोल खोल के रखे, और अब तो दीवा बोलो अपने, कहते मैं रहती नहीं तेरे पास, मेरे माँ बाप ने जबरन मुझे तेरे साथ भेज दिया, मेरा दिल नहीं मिलना आपके साथ। लो अब क्या हो गया, ना पकड़े बने ना खोए बने। शादी का मतलब ये नहीं कि शादी होगी तूतिया बाजे बज गए, अगर श्रीमती स्वीकार करे कि तुम मेरे पति हो, देन इट इज पॉसिबल कि देर वुड बी हैप्पीनेस है। अगर वो मानती नहीं तो मैरिज क्या, मैरिज कोई मैरिज नहीं। शाबाश, तो सुख दुख को आप स्वीकार करें, पर अगर आपका गीता जी का ज्ञान है आप स्वीकार ही नहीं करते, सुख आया ये सुख है ही नहीं, दुख आया कभी ये दुख है ही नहीं, इसको मैं दुख नहीं कह सकती कि ये दुख है, मैं नहीं मानती इसको, मैं मानता ही नहीं। एक भगवान ने मैं बड़ा अच्छा फार्मूला दे रखा है जो मेरी बेटियां अभी स्वीकार कर ले, जो मैंने अभी अभी कहा है, ये तो बेस्ट है ना कि मेरे मालिक जो भी करती है मेरी भलाई है इसमें, कितना भारी मुसीबत आ जाए मुसीबत समझ ही नहीं आएगी, कितना भारी सुख आ जाए आप सुख समझेंगी नहीं, आपका मन दुख सुख में तब बराबर हो सकता है, समझ आना। देख दुनिया वाले कहेंगे तेरे ते पहाड़ टूट गया, अब कहे फिर ना कहना, कोई भी नहीं, भगवान से गलती नहीं होती, बंदों से गलती होती है, भगवान ने ये दुख दिया है मेरे किसी कुकर्म का फल है, मैं हाथ कस के भोग लूंगा। ले वो आपको कहने वाला शर्मिंदा हो जाएगा कि मैं तो गया था जख्म पे नमक डालने, पर बड़ा स्याना निकला है भाई, दुनिया वाले तो जख्म पे नमक डालते हैं, जो कहती हैं कैसे जिएगा उन्हें, अब तेरा की बनेगा, ये आपको जो है समझाने आए हैं कि बेड़ा गर्क करने आए हैं, पर आप तो पहले ही सियाने गए, आप तो पहले जागे हुए गए, विचार आपके पल्ले गए, वो क्या हो गया, मैंने कोई किया था, भगवान ने दे दिया, वही सैनिक शक्ति भी देंगे, जैसे इन दोनों गर्मी है, जो सियाने गए वो यही कह रहे होंगे परमात्मा भी शक्ति इससे भी ज्यादा डालो, पर एक प्रार्थना है हमें सहने की ताकत दे दो। भगवान कितने खुश होंगे अगर आप यूं कहें तो, क्या अगर रोना पिटना है तो यूं रो लो, क्या क्या घर घर में तो कूलर आए पड़े, हमारे घर में कूलर ही नहीं है, मैं किस घर में पैदा हो गई हूँ, पसीने से मर गई हूँ, इतने पेट के दाने निकल आए हैं, मैं किसी अच्छे घराने में पैदा हो, घटना एक ही है, अब रोई जा रही हो पिटी जा रही हो, भगवान ने कहाँ पैदा कर दिया, रब से भी गलतियां हो जाती है, बकवास करती जाओगी दुख बढ़ता जाएगा, नहीं ठीक है बड़ा अच्छा है भगवान और भी गर्मी कर मुझे सहने की ताकत दे, ले घटना एक ही है बट हाउ यू टेक इट। ओ कल्याणकामी मेरी देवी, ओ कल्याणकामी मेरे सज्जन, गर्मी इज द सेम, डे इज द सेम, बट हाउ यू टेक इट। अगर तो ज्ञान गए तो आप ज्ञान में ले लेके उसका मुंह तोड़ देंगे घटना का या गर्मी का, कि परमात्मा हमें सहने की शक्ति दिए जाओ और जो कुछ करना किए जाओ, बेशक और गर्मी डाल दो लेकिन हमें शक्ति दिए ना कि हम सहन कर लें। सच्चाई मानना, भगवान इतने खुश हो जाएंगे अगर दिल से आप ये कहो, अगर शिकवे देने लग जाओ तो फिर तो नास्तिक बनोगे, भगवान को नाराज कर लोगे। कोई बात नहीं जाता, हम इसमें बड़े खुश हैं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, हे भगवान गदगद हो जाएंगे अगर आप इतना कह दो, गदगद हो जाएंगे। शाबाश डॉक्टर साहब,
आपने ये चीरा देना है, क्या ये करोगे? जरूर, बड़ा जरूरी है ये चीरा देना, तो बड़ा जरूरी है। ऑपरेट करोगे? जरूर। फिर डॉक्टर साहब जरूर ऑपरेट करो, ऐसा करना मुझे दर्द ना हो। हाँ, मैं टीका लगाता हूं, निचला हिस्सा आपका बिल्कुल ही डेड हो जाएगा, उसमें जो फीलिंग पावर है खत्म हो जाएगी। कोई दो तीन घंटे का वो टीका होता है तो फिर आपको मालूम ही नहीं होगा। मैं मेजर ऑपरेशन भी कर लूंगा और आपको, डॉक्टर साहब मैं ऐसा चाहता हूं। तो मेरे प्यारों, मेरी बात याद रखना, अगर हम सच्चे और पक्के भगवान के भक्त हैं, हाँ, तो भगवान घटना बाद में घटाएंगे, पहले आपको ताकत दे देंगे। सारे डॉक्टर पहले ही बेहोशी का टीका लगा देगा या नाड़ियों को सुन कर देगा, तब वो मेजर ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे। तो भगवान पहले ही आपके मन को ताकत दे देते हैं, या पहले आपके मुंह से कहलवाना शुरू कर देंगे, पै कैफियते आनी जानी है ये, सहेजा सहेजा खुशी से फानी है ये, बर्दाश्त कर ले, कोई बात नहीं। घटना सिर सराए अगर आप दस्खत ही ना करें तो घटना दुख भरी आई, आपने दुख मनिया ही नहीं। घटना सुख भरी आई, आपने सुख मने ही नहीं। महापुरुषों के जीवन में अनेक घटनाएं ऐसी घटी हैं। महात्मा बुद्ध को गिराने के लिए बड़े वेश्याओं ने कोशिश की, बड़ी कोशिश की, लेकिन वो माने ही नहीं। आधी रात को जाते जीवनी पड़ी हो तो कैसी कैसी घटनाएं आ पड़ेंगे। आज साज धज के और सोना और मार क्या हीरे हुरे ले लू करके और गए तो नौकर ने या उनके शिष्य ने उनको उठाया कि बाहर कोई आई है, आई देवी इस टाइम आपका मेरा आना इस वक्त बड़ा जरूरी था। हाँ देवी, कहो बेटी, इस वक्त आप आती हो कि मेरी योग्य सेवा हो तो बतलाओ। जब उन्होंने बेटी और आगे प्रेम से देखा, पानी पानी हो गई। यही प्रचारिका बनी थी बुद्ध महाराज जी की है। मेरी क्या गंदी भावना, मुझे भड़काया गया आपके खिलाफ, और आपकी क्या भावना। फिर महात्मा जी को गिराने की कोशिश की गई, एक ने जाके गंदी गंदी बातें, गालियां दे, ये कर वो कर, आधा घंटा सिर खपाता रहा उनके साथ, और नागुफ्तनी बोलियां, अकथनीय कठोर शब्दों का, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। आखिर देखिए, इतना गालियां तो आपको तो छोटी जगह नहीं देता, या कुछ आपकी चुनरिया खींच देता, कितना क्रोध आ जाता आपको, या आप तवाजन खो जाती हैं। तो अब महात्मा बुद्ध की घटना, यही घटना अगर आपके साथ घटे तो शायद क्या तलवार उठाती या मुक्के दो दांत तोड़ी देते आप। इतनी गालियां, उसके बाप को गालियां, उसके तख्त राज तख्त को गालियां, उसकी ये वो सारी गाली गुली दे देखे। एक बात की, भाई एक बात मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप मुझे बता दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी। फिर मैं ये नहीं कहा उसने भी, चलो आप बोलो बोलो बकवास करो, ये अच्छा ये कहते आप कहो मैं बताता हूं, ऐसे गंदे अश्लील शब्द बोल दिए। तो उन्होंने कहा, एक मुझे बात बताई, एक लड़का बाहर गया हुआ था। अच्छा अच्छा बोल, फिर क्या बना? वो कई वर्षों के बाद अपने घर में आया, और घर में आने से पहले वो मित्र के पास गया, उसके लिए बड़ी अच्छी चीजें वहां से लाया और फल की टोकरी भी लाया। तो मित्र के पास जाके प्रातः बड़ी बातें करके वो सारी चीजें भेंट में दी। उसने कहा, मैं मेरे पिताजी मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये तो मैं लेता ही नहीं। बड़ी उसने मिनते की और लेकिन उसने नहीं माना। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, वो फल का टोकरा कहां जाएगा? बस तुझे ये भी नहीं पता मूर्ख, मैं यही मूर्ख तुम्हें हूं ही बता दे, वो खुद उठा के ले जाएगा अपने मां घर, बाप अपने घर में वहां रखेगा। तो जो तुम ये गालियों का टोकरा लाए हो मैं तो लिया नहीं, क्या मतलब खुद ही वापस ले जाओ। कहने का ढंग देखिए जरा। अब ये गालियां तब थी ना वो स्वीकार कर लेते, और गाली होती भी तब है, अगर स्वीकार कर ले जाए तो गाली, नहीं तो जिसने दी है उसी के मुंह काली। गाली तब है जब आप उसे दस्तखत करें, हाँ इसने मुझे मां की गाली दी, मुझे बहन की गाली दी, इसने पति के बारे में मुझे कहा, हाँ वाह 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 वाह, जैसे आपने थोड़ी सी बात करी थी किसी को, तो ऐसी बकवास करी, जुत्ती मारी, जुत्ती मार कसम नो, आपको चार घंटे हो गए लड़ाई करते करते फिर भी नहीं चुप किया आपने, सिर्फ उसने यही किया, जुत्ती मार अपने कसम नो, मैं अपने कसम नो मारा। अच्छा बस चाबी भरी गई पूरी, चार चार घंटे लड़ाई शुरू हो गई। और अगर विचारशीला होती कुछ चीन लेते कोई बात नहीं, आप इसे किसी और सेंस में ले लेते। सजनों, अगर तो ये बात मैं और आप पक्की किए बैठेंगे तो सुख दुख एक समान, जो मेरे मालिक कर रहे हैं मेरे कर्मों का लेखा चोखा होना है, वो भगवान मेरे लिए जो करेंगे अच्छा करेंगे, भगवान से बुरा नहीं हो सकता, भगवान दया के घर है। तब तो हो गया क्या, सम दुख सुखा इज ऑल द सेम, वेदर इन प्लेयर आर इन सॉरो, ऑल द सेम। क्यों? कि वो ये माने बैठा है, जाने बैठा है, महापुरुषों की जीवनियों से भी उसने अपने मन को मना लिया है,
परमात्मा किसी का बुरा नहीं करते, परमात्मा जब भी जिस समय जो कुछ करती हैं उसकी भलाई के लिए करती हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे माता पिता है, और माता पिता में सबसे बड़ा गुण होता है क्या? दया का। अगर अभी पक्की कर लो आपका पक्का हो गया, बाकी ज्ञान से तुम चाहो कि इस जन्म में पक्का हो, ये नहीं मुश्किल। ना मैंने कहा कर्म योग से आप पक्का कर पाए, ये नहीं हो सकता। अभी पक्का, अभी दुख सुख बराबर, दुख सुख एक समान। दुख आ गया कोई बात नहीं, मैंने अपने कर्मों का फल पाना है। सुख आ गया, इस सुख को तब समझो जब मेरे पास रहे। दुख भी मेहमान ते सुख भी मेहमान, और मेहमान होते हैं चलाए मान, मेहमान चलाए मान। आपके मन पे असर ही नहीं होगा। बड़े बड़ों पर घटना घटी, असर ही कोई नहीं हुआ। बड़े बड़ों की जीवनियां पढ़ लो, जिन पर बड़े बड़े कष्ट आए, मुसीबतें आए, मीरा जी हैं, करमैती भाई है, आपनी गार्गी है, आपने विवेकानंद जी है, इनकी मैं अगर जीवनी की घटना सुनाऊं तो शायद आप रो भी पड़े। कितनी इनके साथ मुसीबतों का मुकाबला इनको करना पड़ा, विदेश में जाके, अपने देश में नहीं विदेश में, बड़ा भारी विचारों का मुकाबला करना पड़ा। लेकिन गुरु जी के नाम पर वह हंस के कहते, गुरुदेव आपने मुझे भेजा है, आज जिम्मेवार है। गुरुदेव पहुंची हुई थे, कोई ना कोई प्रबंध कर दे, कोई ना कोई बात बन जाती। तो माने तब ना मुसीबत है, जब ना माने तो मुसीबत कैसी, दुख कैसा। आज जाके विचार कर लेना, क्या आपका मन इतना मजबूत हो गया है कि आपने पूर्ण रूप से अपने भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप दिया और ये मान लिया कि जो भी भगवान करेंगे वो मेरी भलाई के लिए करेंगे, वेदर दिस वे और दैट वे। आपने मान लिया मेरी बेटी, तो इसी समय दुख सुख एक समान। कल कोई ऐसे वैसे दिन आएंगे, कोई बात नहीं, मेरे किए हुए कर्मों का फल मेरे भगवान भुगता रहेंगे। वो तो बड़े दयालु हैं, वो मुझे तारना चाहती हैं और मुझे जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाना चाहती हैं, तो वो भुगता रहेंगे कि तू भोग ले फिर ना आना पड़े। तो बड़े दयालु हैं वो, सुख आया वो ठीक है, मेरे पुण्यों का फल है, पर ये तो थोड़े दिन के बाद चला जाएगा, ये मेरी भगवान की मेहरबानी है जो इस रूप में आ रहा है। तब तो हो सकता है फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट क्या भगवान के इस बताए हुए लक्षण को अपने में घटा ले, वरना और महापुरुषों ने कहा ये कोई तरीका नहीं क्या शीघ्र अति शीघ्र इस गुण को अपना लेने के लिए। ज्ञान आपकी मदद नहीं कर सकता, अभी अभी नहीं मदद कर सकता, ज्ञान के लिए टाइम चाहिए, शाबाश। इस तरह कर्मयोग के लिए काफी टाइम चाहिए, अपना स्वार्थ आप खत्म करेंगे तभी तो कर्मयोग कहलाएगा। भक्ति में ये होता है निछावर कर दो अपने आप को, चाहे हम भले बुरे सो तोरे जो मेरे प्रभु, ये भक्ति में अभी तुम स्वीकार भगवान करने को तैयार है। एक पिता के चार पूत हो, दो कपूत और दो सपूत हो, क्या दलीलें देंगे महापुरुष। एक पिता के चार पूत हो, दो कपूत और दो सपूत हो, वो भी तेरे ये भी तेरे साथ कहूं प्रभु मोरे, जो हम भले बुरे सो ते। तो इनकार नहीं कर सकता प्रभु, भले हैं तो भी हम तेरे हैं, बुरे हैं तो भी तेरे हैं, आप ही ने हमें बनाया है, आप ही ने हमें जहान में भेजा है, भक्ति का वरदान भी आपने दिया है, हम उसी को लेकर के अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ही ने गीता में वैदा दिया है, कोई आदमी गर्चे बदकार गए मगर मेरा दिल से प्रस्तार। आप ही देख लो प्रभु के हम छल से कर रहे हैं आपके साथ या दिलो जान से आपके प्यारे बन के कल्याण करना चाहते हैं। आपको हम क्या प्रूफ दे प्रभु, आप तो दिलदार हैं, अंतर्यामी हैं, सर्व ज्ञाता हैं। बड़े खुश हो जाएंगे भगवान जब आप सच्चाई से इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। मेरे प्रभु बड़े गदगद हो जाती हैं जबकि अंदर बार से एक जैसे होता है और भगवान से प्रार्थना करते हैं, बड़े प्रसन्न। जब आप ऐसे कह देंगे बस अब आ जा दुख, सिर सड़ा के चला जाएगा, आ जा सुख, हमें स्वीकार ही नहीं करना, हमें पता है कि मेरे पुण्यों का फल है, थोड़े देर रहकर चला जाएगा। हाँ दुख आ गया, मेरे पापों का फल है, मेरी परीक्षा लेकर के ये भी चला जाएगा। जब बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, थोड़े बहुत से हमारी दादियां थी, दादे थे, वो यूं कहा करते थे क्या कोई उनके मुंह से मैंने ये सुना है बड़ा अच्छा पाठ, क्या कोई बात नहीं, आराम दिता आराम दिता। बापू जी कह रहे थे उसको बिठा के अपने पास, छोटा होगा उनका कोई, आराम दिता, वो मैंने सुने कोई फलानी बात हो गई है, हाँ बापू हो गई है, आराम दिता। बापू बार बार बोलते थे आराम दिता, मेरी गल तो सुन। हाँ बापू जी कहो, कोई बात नहीं, एक बात कहूंगा तू मान लवे था, मन समझा लाए। बापू की मैं समझाया है, घटना ऐसी गट्टी पर ये कोई नहीं, शाना वो जो समझा लवे अपने आप को, की समझावा, ओ दिन नहीं रहता, आ दिन नहीं रहता। हाय बड़ा जोरदार तीर है ये, जो अचूक तीर है जो मन में लग जाएगा, वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहे। जो मन डाउन जा रहा था बापू के इन हमदर्दी शब्दों ने बचा लिया,
हाँ बापू, आ बात आपने खूब कही, मैं गिरते हुए मन को कह लूंगा, उठा लूंगा अपने मन को। मन नाम विचारों का है, कोई ऐसा विचार दो कि वो संभल जाए। मन नाम हाथों पैरों का नहीं है, मन नाम आंखों गालों और जांघों का नहीं है, मन नाम विचारों का है। कोई ऐसे पावरफुल थॉट दोनों से कि जो वीक थॉट के आगे आके उसे बचा ले। वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहने, तो दुख नो मोर दुख। अगर आपने दस्तखत नहीं किए, स्वीकार ही नहीं किया, नो मोर दुख। और सुख को समझ लिया, थोड़े दिन रहे इसे चला जाना है, नो मोर सुख। इसी तरीके से आप दुख सुख में बराबर हो सकती हैं। वरना आप कहे कि मैं ये तरीका करूं तो और कोई तरीका नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, कोई वे आउट नहीं है। है ये बड़ी पेचीदगी वाली बात, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। गृहस्थी होते हुए आप दुख को दुखी न माने और सुख को सुखी न माने, बैंड बाजे न बनाएं, ये ना करें, वो ना करें, ये कैसे मुमकिन हो जब आपने अपने आप को भगवान के चरणों में पूर्ण रूपेण सौंपा हुआ हो, पूर्ण रूपेण निछावर कर दिया हो, देन इट इज क्वाइट पॉसिबल। मैं आज इसे संपूर्ण करना चाहता हूं और कल मैं अगला गुण लेना चाहता हूं, क्योंकि इसके बाद और कुछ कहने की बात नहीं रहती। जब जीव सिर झुका देता है अपने भगवान के आगे के सब, जो भी जो तुद भाए सोई भलीकार, गुरु ग्रंथ साहब गुरु महाराज जी भक्ति के आधार पर बोलेंगे और वो आपको समझाएं कैसे। जो तुद भाए सोई भलीकार, तू सदा सलामत, ओ मेरे दात्या, जात तो तेरी सलामत में नौकरी रहने वाली, सदा तो जात तेरी रहेगी। और दुनिया ने ये बातें तो सदा रहनी है ही नहीं। और जो तूने किया, जो तुझ भाए, जो आपको भाए, जो अच्छा लगा वही आपने किया, भलीकार मेरा कल्याण उसमें है, मेरी भलाई, मेरी वेलफेयर, मेरी बेटरमेंट उसी में है जो आपने कर दिया। बहुत ही अच्छी बात, ये बहुत ही अच्छी बात, ये बहुत ही सुंदर बात। जब आपने ये कर दिया, आहा, कृष्ण ने क्या कहा है दुख सुख में बराबर के लिए। आखिर में कह के खामोशी लिया चाहता हूं, भगवान ने गीता जी, मैंने इतने महापुरुषों के हवाले दे दिया आपको, तो अपनी गीता जी क्या कहती है? भगवान तो एक ही कहता है, हाँ तू कौन है? जब आप ये कहते मैं दुख सुख में बराबर कहते रहूं, भगवान तो तू कौन है? मैं क्या बोलूंगी आपसे? ये पूछते हैं भगवान, या प्रश्न करते हैं, मैंने सुन लिया, पर आप कौन है? टाइम नहीं रहा, वरना मैं बहुत रिझाता इस प्रश्न को, ऐसे रिझाया गया बहुत ज्यादा, पर टाइम नहीं रहा। आप जो कुछ भी कहें, अगर कहती हैं कुछ तो गलत कहेंगे, भगवान आपको मनाएंगे। हाँ तो आप फिर मेरे पास क्यों आए हैं? अगर आप ऊट पटांग गृहस्थी हूं, मैं पत्नी हूं, मैं माँ हूं, मैं ये हूं, बोल दीजा बोली जा बोली जा बोली जा, भगवान फिर मेरे पास क्यों आए? माँ है तो पुत्रों के पास जा, अगर पत्नी है तो पति के पास जा, अगर बेटी है तो बाप के पास जा। तू कौन है? ना भगवान, मैं तो आपकी दासी हूं। मना लिया रब ने, मना लिया। अरे तू कौन है? ना दाता, जो कुछ मैंने कहा बकवास हो, मैंने वापस लेता हूं। मैं तो आपके चरणों का दास हूं। तो दास कौन होती है? जो अपने आप को सौंप देती है, जो अपने आप को निछावर कर देती है। तो जो अपने आप को निछावर कर देती है, उनका मतलब क्या होता है? प्रभु मुझे नहीं पता। तो सुन, भगवान कहते हैं एक ने गैया बेच दी, हाँ प्रभु बेच दी, लेने वाले ने ले ली, अपने किले पे लेगा, खूब खिलाया पिलाया, शाम को जो दूध देगा, हाँ कौन लेगा दूध? जिसने गैया ली है उसी का दूध होगा। वो जो बाल्टी भरेगी, हाँ तो जितना भी दूध आया, तो जिसने ले लिया, जिसके किले पे गैया है उसी का दूध, बेटी जिसके खूंटे पे गैया है उसी का दूध। तो जब तूने मुझे अपने हवाले, मेरे हवाले कर दिया, तब जो भी तू कर्म करेगा फकत मेरी खातर, तू अगर हर काम मेरे लिए कर रहा है तो दुख तेरा कैसे हुआ? दुख मेरा। अगर सुख तेरा कैसे हुआ? सुख मेरा। अगर गैया कल बीमार है तो नंदलाल की बीमार है, ना कि जिसने बेच दिया उसकी बीमार नहीं। अगर गैया बीमार है तो भ्रावा बाई की बीमार है, जिस जो गैया लेके आई है अपने डेयरी फार्म में। अगर दुख सुख है तो फिर भगवान का दुख सुख है, आप तो अपने आप को दे चुके हो। फकत मेरी खातिर तू, फिर जब जिंदा उन्हीं के लिए गए, मरना तेरी गली में और जो है रहना तेरी गली में, फिर तो सारी बात ही खत्म हो गई। फिर दुख दुख नहीं, सुख सुख नहीं। ठीक है, जो भगवान कर रहे हैं उन्हीं का दुख है, उन्हीं का सुख है। ठीक है, दुख दिया उन्होंने तो हाथ सांस के भोग लेंगे, सुख दिया तो हम बन चुके तो उन्हीं के चुके हैं। उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया, ले लिया, तो सौंप दिया, उन्हीं के बन चुके हैं। और उनने आज्ञा दिया है, फकत मेरी खातर तू,
पहले तो मुझे पता नहीं था, अब तो मुझे पता लग गया। पहले तो मैंने खुदी में, अहंकार में, काम में, लोभ में, अहंकार में कुकर्म किए, अब तो भगवान के प्यार में भर के कर्म कर रहा हूं। मैं हूं उनका, ठीक है जो देते हैं देने दो, जो भी दे रहे गए शाबाश। अगर मजनू को लैला प्यारी थी, हाँ, तो लैला के घर से कुत्ता आया, मजनू पहचान लिया, ये तो मेरी लैला का पाला हुआ है। अच्छा, उसको प्यार किया, कुत्ता मुंह चूमने लग गया, गाले चूमने लग गया, हाँ वो चुमाने लग गया, किसने कहा नालायक ये क्या कर रहा है, तो मैं तो ठीक कर रहा हूँ, ये लैला ने पाला हुआ है, तो फिर है तो कुत्ता है, तेरी नजरों में कुत्ता होगा। मुझे लैला प्यारी है तो लैला का भेजा हुआ कुत्ता भी प्यारा। मजनू मैं तो नहीं आ सकती, मेरे पिता नहीं आने देते, पर मैं कुत्ते के हाथ संदेशा भेज रही हूँ। तो फिर कहावत मशहूर है मेरे देश में, लैला प्यारी तो लैला का पालतू कुत्ता भी प्यारा। अगर रब प्यारे तो रब दे पालतू सुख दुख भी हमें जरूर प्यारे लगेंगे, क्योंकि सुख दुख उनके पालतू कुत्ते गए, हमारी आजमाइश लेने के लिए आते हैं, हमारे कर्मों का लेखा चोखा चुकाने के लिए आते हैं। लैला प्यारी तो लैला का पालतू कुत्ता भी प्यारा। अगर वो कृष्ण में प्यारे गए तो उनकी भेजो ये सुख दुख भी सिर आंखों पर, हंस हंस के दुख को भी सह लेंगे, हंस हंस के सुख को भी सह लेंगे। इस तरीके से हम अपने परमात्मा को प्रसन्न करके अपनी भक्ति बढ़ा लेंगे, अपनी श्रद्धा बढ़ा लेंगे, अपनी साधना बढ़ा ले जाएंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।
हार्दिक धन्यवाद। हॉक